हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट इन पीसी या लैपटॉप। तो आपने लिया है नया कंप्यूटर या लैपटॉप और आपको चलाना है उसमें इंटरनेट, वरना बिना इंटरनेट के आपका पीसी या लैपटॉप तो उस बाइक के जैसा है जिसे आपने ले तो लिया है लेकिन उसे टेस्ट करने के लिए आपके पास कोई रोड ही नहीं है जिसे आप दुनिया से कनेक्ट हो सको। कंप्यूटर या लैपटॉप में चार तरीके से इंटरनेट चलाया जा सकता है। फर्स्ट यूएसबी टेंदरिंग से, सेकेंड मोबाइल हॉटस्पॉट, तीसरा ब्लूटूथ टेंदरिंग या चौथा वाईफाई ब्रॉडबैंड। फर्स्ट है यूएसबी टेंदरिंग, जिसमें सबसे पहले अपने चार्जर को खोलना है, उसके बड़े वाले मुँह को अपने कंप्यूटर में लगाना है और छोटे वाले मुँह को अपने मोबाइल में लगाना है। फिर ऊपर से स्क्रॉल करके एक ऑप्शन आ रहा होगा एंड्रॉयड सिस्टम यूएसबी चार्जिंग दिस डिवाइस, ये वाला, इस पर क्लिक करके सेकंड वाले पे क्लिक करना है ट्रांसफ़र फाइल्स। उसके बाद आपको मोबाइल से यूएसबी टेंदरिंग को ऑन करना है, उसके लिए जाना है सेटिंग में, फिर नेटवर्क इंटरनेट में, फिर हॉटस्पॉट एंड टेंदरिंग में, यहाँ पे एक ऑप्शन है यूएसबी टेंदरिंग, इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद कंप्यूटर में कुछ ऐसा आइकन आ रहा होगा जिसका मतलब है कि आपको इंटरनेट मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और देखना है कि क्या आपका नेटवर्क जुड़ा है, ऐसे कनेक्टर लिखा आ रहा हो। उसके बाद आपको अपने मोबाइल से नेट ऑन करना है और आपका इंटरनेट तैयार है। इसके लिए ट्राई करते हैं गूगल क्रोम में, कोई भी साइट खोल लीजिए जैसे कि कैनवा। ये काम कर रहा है इंटरनेट पूरे तरीके से। जो दूसरा तरीका है वो है मोबाइल हॉटस्पॉट। इसके लिए सबसे पहले मोबाइल में हॉटस्पॉट एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसके लिए जाना पड़ेगा सबसे पहले सेटिंग में, उसके बाद मोबाइल एंड नेटवर्क में, यहाँ एक हॉटस्पॉट का ऑप्शन है हॉटस्पॉट एंड टेंडरिंग, यहाँ पे जाके वाईफाई हॉटस्पॉट को ऑन कर देना है। उसके ऑन होने के बाद एक वाईफाई हॉटस्पॉट का सेटअप करना है, जैसे कि मैंने उसका ये नाम लिख लिया और एक कोई भी पासवर्ड डाल दिया। ये पासवर्ड जो होता है ये 8 डिजिट का होता है, जिसमें मैंने कोई भी नॉर्मल से डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ऐसे नॉर्मल पासवर्ड ना डालें, सेव कर देना है, ये थोड़ा सा रिस्टार्ट होगा। एक बार जब मोबाइल में ये हॉटस्पॉट का निशान आ जाए उसके बाद अपने कंप्यूटर में चेक करें कि अवेलेबल है या नहीं। ऐसे धरती से आइकन पर जाएं, क्लिक करके ये आ गया मेरा नेटवर्क, इस पर क्लिक करके कनेक्ट पर क्लिक करना है। अब आपको डालनी पड़ेगी उसकी पासवर्ड जो कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे चेक करने के लिए आँख पर क्लिक करके देख सकते हैं ये है, नेक्स्ट पर क्लिक करके कनेक्ट हो चुका है। जैसे कि हम कोई फिर से सर्च मारने, इंटरनेट प्रॉपरली चल रहा है, पर इसके लिए एक कंडीशन है कि हमारे पास वाईफाई डोंगल होना चाहिए। वाईफाई डोंगल क्या होता है, ऐसे कुछ होते हैं वो इस प्रकार के, इन्हें हम वाईफाई डोंगल कहते हैं और ये अप्रॉक्स 299 का है। मेरे पास भी सेम ऐसी है जो कि इस कंप्यूटर में काम कर रहा है, तो आप भी एक ले सकते हैं। मैं एक की इंफॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर आपको लेना हो तो। नेक्स्ट इज़ ब्लूटूथ टेंदरिंग। इसके लिए क्या करना है कि अपने कंप्यूटर को हमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करना होगा। ब्लूटूथ टेंदरिंग के लिए हमें जाना है सेटिंग में, फिर नेटवर्क इंटरनेट में, फिर हॉटस्पॉट एंड टेंदरिंग में, और यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन ब्लूटूथ टेंदरिंग, इससे ऑन करके हमें अपने मोबाइल में ऑन करना है ब्लूटूथ टेंदरिंग। और इसकी एक कंडीशन है कि आपके कंप्यूटर में भी ब्लूटूथ लगा होना चाहिए। देखिए जनरली तो लैपटॉप में लगा होता है, मेरे पीसी में भी लगा हुआ है, शायद सबके ना हो। ब्लूटूथ टेंदरिंग ऑन हो चुका है। इसके बाद अपने कंप्यूटर में जाके हमने ब्लूटूथ को ऑन करना है। गो टू सर्च टाइप ब्लूटूथ और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से हम ब्लूटूथ को ऑन कर सकते हैं। एक ब्लूटूथ को तो पहले ऐड करना है अगर वो पहले से पेयर नहीं है तो, और यहाँ पे अगर दिखाएगा मेरा ब्लूटूथ तो हम उसे कनेक्ट कर देंगे। ये आ गया मेरे फ़ोन का ऑप्शन टर्न ऑन, क्लिक करके वो कनेक्टिंग पर लगाएगा। पेयर करने को कह रहा है, हमें कनेक्ट कर देना है, मोबाइल से भी पेयर कर देना है। यहाँ से ऑप्शन मांग रहा है कि वो अलाउ करें या नहीं, मैंने ओके कर दिया, डन। अब हमारा कंप्यूटर से हमारा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद हमें अपने कंप्यूटर में ब्लूटूथ को एक नया कनेक्शन जोड़ने के लिए यहाँ से राइट क्लिक करके ज्वाइन अ पर्सनल एरिया नेटवर्क पे ऐड करना होगा। यहाँ से जो मेरा 10 और का मोबाइल है इस पर इस्तेमाल करने के लिए हमें 10 और पे क्लिक करके राइट क्लिक करना होगा। उसके बाद कनेक्ट यूजिंग एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करके, जिससे कि वो हमें मोबाइल से नेट दे पाए। कनेक्ट सक्सेसफुली। अब ट्राई करते कि ये नेट इस्तेमाल कर रहा है नहीं। ये यहाँ पूछ रहा है कि क्या हमारा जो पीसी है वो इस्तेमाल कर सकता है नहीं, हम यस कर देते हैं। अब दोबारा सर्च मार दें, हाँ वो ब्लूटूथ से भी अब इंटरनेट शेयर कर पा रहा है। वाईफाई शेयरिंग का, इसमें आपको एक वाईफाई होना ज़रूरी है, जैसे कि कोई ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेते हैं तो उसमें एक वाईफाई राउटर निकलता है, उसे ऑन करना होगा। उसके बाद अपने कंप्यूटर में इस धरती के आइकन पर क्लिक करके अपना वाईफाई का नाम ढूंढना होगा, जैसे कि ये है मेरा वाईफाई गौरव,
पे अगर हमने पासवर्ड लगाया तो उसे पासवर्ड डालेंगे, तिपा क्लिक करके इसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कनेक्ट करके इस पर पासवर्ड डालेंगे तो मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है मेरे कंप्यूटर से, ये कनेक्टर बता रहे हैं। टेस्ट करते कि ये हुआ या नहीं। यहाँ से कुछ भी डाल लो, जी हाँ ये कनेक्ट हो रहा है और सही से काम भी कर रहा है। तो ये थे चार तरीके जिससे कि हम इंटरनेट को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ब्राउज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को।